हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋतु गोयल्स किचन। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है, तो आज ठंड से रिलेटेड ही अपन कुछ डिश बनाएंगे। कुछ फायदे की चीज ठंड में खानी चाहिए, तो आज मैं आपको गोंद पाक बनाना सिखाऊंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स में एक बार आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें मावा लिया है, आटा लिया है और चीनी है जिसकी हम चाशनी बनाएंगे। बहुत सारा गोंद है, अखरोट, बादाम, काजू और काफ़ी सारी काली मिर्च। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी किस तरह से कैसे बनानी है। एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें घी डाल दिया, अंदाजे से घी डाला है क्योंकि मुझे सब चीज़ें फ्राई करनी है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर मैं ये गोंद फ्राई करूँगी। गोंद देखिए मेरे छोटे छोटे गोंद हैं, तो इसलिए मैं इसको फोड़ूंगी नहीं, लेकिन अगर आपके गोंद बड़े हों तो उनको पहले ही थोड़ा सा फोड़ लीजिएगा। घी गरम हो गया है, हमें बहुत तेज घी को गरम नहीं करना है। अब मैं इसमें गोंद डाल दूंगी, इसको हिलाते हुए धीरे धीरे ये सारा गोंद फूल जाएगा। तेज घी होता है तो उसमें ये गोंद जो है जल जाता है, इसलिए हमें थोड़ा कम तेज घी में डालना है। देखो गोंद इसमें मैं बहुत सारा डालती हूँ क्योंकि गोंद पाक है और सर्दियों में गोंद बहुत फायदा करता है, हमें खाना चाहिए जरूर। अब ये बादाम डालेंगे। ये सब मैंने एक कप लिया है, गोंद भी एक कप था, बादाम भी एक कप है। इसको फ्राई करूंगी। इसके छोटे छोटे देखिए ऐसे टुकड़े कर लिए, बहुत छोटे भी नहीं, बहुत बड़े भी नहीं। इसको फ्राई करूंगी। ये एक कप काजू लिया है। बादाम को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ी देर हो गई है उसको फ्राई होते हुए, तो अब मैं काजू भी डाल दूंगी। काजू बहुत फटाफट फ्राई हो जाते हैं, तो वो संग में ही हो जाएंगे। एक कप मैंने अखरोट लिया है, वो भी मैंने थोड़े मोटे टुकड़े कर लिए इन सबके, बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं करने, ये भी मैं डाल रही हूँ इसी में। अब इनको एक साथ फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बारीक टुकड़े नहीं करने हैं, नहीं तो इनका चूरा हो जाता है और फिर फ्राई करने में जल जाते हैं। हमें ऐसे थोड़े मोटे मोटे ही नट्स लेने हैं, तो खाने में भी अच्छे लगते हैं, टेस्ट आता है इनका। अब इन तीनों को एक साथ फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए सब एकदम लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूंगी। बड़े छनते में इसलिए लेती हूँ कि सारा घी इसमें से स्ट्रेन हो जाता है। अब इसको निकाल, अब देखिए मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं लिया था, अब इतना घी तो हमको चाहिए। अब ये मैंने दो कप आटा लिया है, दो कप आटे को मैं घी में भूनूंगी। अभी मैं ये आटा डाल देती हूँ, मुझे ज़रूरत होएगी तो मैं और घी डाल दूंगी। वैसे जितना हमने दो कप लिया है तो दो कप घी तो पूरा यूज़ हो जाता है, अब अगर ज़रूरत होएगी तो और ले लेंगे। इसी में ही डाल दिया तो ये घी भी वेस्ट नहीं होता हमारा, देखिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालती हूँ इसमें, आपकी चॉइस है। आप अच्छा घी डालना चाहें तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट है इतना। अब मैं इसको बहुत अच्छे से आटे को भूनेंगे। मैंने आटा थोड़ा सा मोटा लिया है, बहुत बारीक आटे से गोंद पाक में मज़ा नहीं आता है, ये हल्का सा आप देखेंगे तो मोटा आटा है। ये देखिए इसमें मैंने 1/4 कप काली मिर्च ली है, इतनी काली मिर्च जरूरी है इसमें, तभी इसका फ्लेवर आता है। अब इसको मैं ना दरदरा पीस लूंगी। देखिए मुझे भूनते हुए 5-10 मिनट हो गए हैं, लो फ्लेम कर रखी है मैंने। अब इसको थोड़ा ब्राउन हुआ है, हमें थोड़ा डार्क करना है आटे को। आटा अगर अच्छे से नहीं भूनता है तो टेस्ट नहीं आता है। देखिए मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आटा भुनने की, और कलर भी चेंज हो गया है, अच्छा खासा ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं इसमें मावा डालूंगी। मैंने 2 कप आटा लिया था, मैं 2 कप ही मावा लूंगी। मावे से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है बर्फी की, क्योंकि अपन ने नट्स बहुत सारे लिए हैं। थोड़ा सा आप इसको हाथ से ऐसे खोल लीजिए और फिर तो ये इस आटे के साथ बहुत अच्छी तरह भुनी जाएगा। तो इसके साथ हम मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी, जिससे मावा भी भुन जाए और मावे के साथ आटा और अच्छे से।
देखिए आटा और मावा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और भुन भी गया है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा भुना चाहिए तो और फिर टेस्ट अच्छा आना चाहिए, तो मैं 5 मिनट और इसकी भुनाई करूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, भुन गया है बहुत अच्छे से। अब ये काली मिर्च मैंने कूट ली थी, ये इसमें मिला दूंगी मैं, काफ़ी सारी है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, लेकिन इसी से इसका टेस्ट आता है। मेरे हिसाब से तो काली मिर्च इसका मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका फ्लेवर आता है। ये गोंद और नट्स सब मिक्स कर दूंगी आटे में, ये सारे नट्स डाल दिए और गोंद भी डाल दूंगी सारा। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि ठंड हो रही है, सबको खिलाना चाहती हूँ, इसलिए आज हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ और हलवाई स्टाइल में ही ट्रे में जमा के भी दिखाऊंगी आपको। मिक्स कर लूंगी सब अच्छे से, मिक्स कर लीजिए कि देखिए सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इतना अच्छा कलर लग रहा है, टेक्सचर लग रहा है। अब मैं इसको गैस को बंद करके इसको ठंडा होने दूंगी और हम इसके लिए अब चाशनी बनाएंगे। ये एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और मैंने 2 कप चीनी ली है। मुझे गाढ़ी चाशनी बनानी है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। मिक्स करके देखते हैं, 1/2 कप से अब मैं थोड़ा सा और डालूँगी, 1/4 कप और डालूँगी बस, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे, 3 तार की चाशनी हमें बनानी है। देखिए अब बॉईल आने लग गया है इसमें चाशनी में, मैंने पानी कम डाला है तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसको बनने में, लेकिन फिर भी हमें 5-7 बॉईल तो लेना है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये 2-3 तार की चाशनी तैयार हो गई है या नहीं। अभी तो बॉईल आया है, देखिए 5 मिनट और हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसको मैं चेक करूंगी कि ये चाशनी तैयार हो गई कि नहीं। तो इसमें देखिए अब ये ड्रॉप्स जो गिर रही हैं, इसको मैं इस पर ड्रॉप को डालूंगी। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए जिससे हम चेक कर सकें, उंगली में लेके और ऐसे मैं देखूंगी। तो अभी थोड़ा सा हो गई है, देखिए आप मोटा गुच्छा सा आने लग गया है, लेकिन मैं 2 मिनट और इसको करूँगी। बर्फ़ी जमाने के लिए हमें थोड़ी गाढ़ी ही चाहिए होती है चाशनी, तो बस 2 मिनट्स के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। मैं इसको 2-5 मिनट के लिए ठंडा होने दूँगी, वैसे बहुत ठंड है, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और ये मैंने हलवाई वाली ट्रे ली है, इसको मैंने ग्रीस कर दिया है घी से, इसमें हम बर्फ़ी को जमाएंगे। अभी चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब मैं ये इसमें मिला दूँगी सारे मिक्सचर में। और अब हम इसको बहुत अच्छे से चाशनी में मिक्स करके और फिर जमाएंगे ट्रे में। देखिए चाशनी और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब मैं ये ट्रे में सारा निकाल लूँगी, फैला के डालेंगे इसमें हम। देखिए पहले तो मैं इसको पूरी चारों तरफ अच्छे से फैला दूँगी, फिर हमें इसको सेट करने के लिए बहुत अच्छे से दबाना भी होगा, वो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो तो ये ले लीजिए, या कोई कटोरी ले लीजिए, या कोई प्लेट ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरे को ये इजी लगता है इसलिए मैं ये ले लेती हूँ। अब मैं इससे इसको बहुत अच्छे से दबा दूंगी जिससे कि मेरी बर्फ़ी कटे अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे नट्स हैं इसमें मोटे मोटे, तो अगर ये सेट नहीं होएगी तो ये बिखर जाएगी। इसको सेट करने के लिए मैं इसे बहुत अच्छे से दबा दूंगी। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है, ऊपर घी भी आ गया है, मैंने इतना दबा दबा के इसको सेट किया है। अब इसको 1/2 घंटा हम छोड़ देंगे, तब ये 1.5 घंटे में सेट हो जाएगी, फिर कट करें। बर्फी बहुत अच्छी सेट हो गई है, अब मैं इसको कट कर रही हूँ, देखिए बहुत आराम से कट हो रही है। इसके हमें पीसेस बहुत ज़्यादा छोटे नहीं काटने हैं, क्योंकि बड़े बड़े नट्स हैं तो पीसेस भी बड़े रखने, नहीं तो बिखर जाएगी। तो देखिए मैं इतने बड़े बड़े पीसेस इसके कट करूंगी।
बहुत अच्छी सेट हो गई है। आज दादी माँ के नुस्खे में मैं आपको बताती हूँ ओरल हाइजीन के बारे में। ओरल हाइजीन बहुत जरूरी होती है, हमें समय समय पे अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए बहुत इजी सा एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिला के उसके कुल्ले करने चाहिए। उसके कुल्ले करने से हमारे दांत वाइट भी होते हैं और जो हल्की स्मेल होती है कभी कभी मुंह में, वो भी दूर होती है। बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन इसको अजमाइए, यूज करिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, फिर मिलेंगे।